रीवैल्यूएशन, मतलब आप किसी का रिवैल्यूएट करते हो, किसी के वैल्यू को फिर से पता करते हो कि उसकी वैल्यू कितनी है, बड़ी है घटी है, क्लियर। तो अब आप कंपनी में किसकी वैल्यू पता करोगे, तो कंपनी में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनता है ताकि पार्टनर जो है वो समय समय पर चेक कर सकें कि उनकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो कुछ घटी बढ़ी तो नहीं है, क्लियर। तो इस चीज़ के लिए रिवैल्यूएशन बनता है। तो अगर आपको 11th क्लास की बैलेंस शीट याद है, तो बैलेंस शीट में आप क्या करते थे, एसेट इस साइड लिखते थे और लायबिलिटी इस साइड लिखते थे। मतलब अगर आपके एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड और लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड। बस इसी कॉन्सेप्ट पर जो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखो टू इंक्रीज इन लायबिलिटी और बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, पहली चीज़ तो ये होगी। अब अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, तो अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो ये देखो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसी तरह से अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो लायबिलिटी घटेगा तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, एक मिनट रुको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट रिलेशन बैलेंस शीट से है नहीं, बस हमने आपको इसलिए बैलेंस शीट बताया ताकि आपको बस थोड़ा कोरिलेट करके याद रख सको आप, ठीक है। तो इसका मेन क्या है, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो इधर, एसेट्स बढ़ेगा तो इधर, अगर एसेट्स घट रहा है तब एसेट्स इधर जाएगा और अगर लायबिलिटी घट रहा है तो इधर जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कोई लायबिलिटी जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, आपको पता ही नहीं आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है, अब ऐसे केस में आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब राम को आपको 2 लाख रुपए देने हैं, आप भूल गए, अपने बुक्स में भी नहीं दिखा, लेकिन बाद में आपको पता चला अरे राम को तो 2 लाख रुपए देने हैं, तो ऐसे केस में आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसी तरह कोई एसेट से, कोई एसेट्स आपके फर्म में कहीं कोने में पड़ा है, आपको याद ही नहीं था, बाद में एक दिन पता चला अरे ये भी तो एक एसेट पड़ा है हमारे फर्म में, तो उसको भी आप लिख दोगे, तो उसको लिखते हैं बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। अब यहाँ ध्यान दो, अगर क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और यहाँ की कम, मान के चलो यहाँ मान लो क्रेडिट साइड में 1 लाख आ रहा है और यहाँ आ रहा है 50,000 डेबिट में, अब कैसे करोगे, ये नीचे जो है यहाँ पर 1 लाख लिखोगे और वही 1 लाख जो है यहाँ पर लिखोगे, और जो डिफरेंस है 1 लाख और 50,000 में, वो 50,000 इधर लिखोगे और क्या करोगे, तब इसे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी बांटते हैं तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, समझे। क्रेडिट साइड को जोड़ोगे टोटल, उसको यहाँ नीचे लिखोगे और उसी को बैलेंस को यहाँ लिख दोगे। अगर पहले देखोगे बैलेंस किसका, अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तब उसके लिए अलग बताएंगे, लेकिन अभी हमारा क्या है, जिधर का बैलेंस ज़्यादा है उसमें क्रेडिट की बात करें। अगर मान लो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो उसको नीचे दोनों साइड लिखोगे, ठीक है, जिधर का बैलेंस ज़्यादा होगा उसी को दोनों साइड लिखोगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पर भी लिखोगे, 1 लाख यहाँ पर भी लिखोगे। अब क्या करोगे, यहाँ डिफरेंस देखोगे, ये जो 50,000 होगा ये लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और फिर क्या करोगे, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, क्लियर हो रहा है। अच्छा इसी तरह अगर हम बात करें इधर का, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो अगर मान लो इधर का वैल्यू बढ़ा है, ठीक है, इसको अगर भूल जाओ, इसको जोड़ दो, ये दोनों जो है यहाँ तक का वैल्यू मान लो इधर 2 लाख आ रहा है और इधर मान लो यहाँ तक का जो समय वो 1 लाख आ रहा है, तब क्या करोगे, तब यही 2 लाख जो है यहाँ पर भी लिखोगे और इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 लाख यहाँ लिखोगे और लिखोगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स के बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर क्या करना है, फिर यहाँ से जो है पार्टनर के कैपिटल में जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, तो जो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप उसे क्या करोगे, ट्रीट करोगे, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग पहले क्वेश्चन से, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है अशोक भीम और चेतन जो है पार्टनर है और इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। ध्यान से देखिएगा, हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही काम आता है कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में, हमने आपको कई बार बताया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ के लिए आता है, गुडविल को इवैल्यूएट करने में, और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के गुडविल को हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में आपको बस लायबिलिटी की तरफ मेन फोकस करना है, यहाँ जनरल रिजर्व है 60,000, ये पार्टनर कैपिटल में बढ़ जाएगा, ठीक है, बाकी सब मतलब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब आगे क्या बोल रहा है, अशोक भीम और चेतन जो है इन्होंने डिसाइड किया है फ्यूचर शेयर प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करेंगे, जो कि 1 अप्रैल 2015 से हो रहा है,
और इसके बाद इन्होंने एग्री किया गुडविल जो है फर्म का है 3 लाख। अब गुडविल से जैसे ही गुडविल दिखेगा सबसे पहला काम देखो क्या करोगे आप, सबसे पहला काम आप करोगे क्या, गेनिंग और तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है, हमने आपको पहले ही बताया था जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर जाता है तो ऐसे केस में कुछ पार्टनर को फ़ायदा होता है कुछ पार्टनर को नुकसान होता है, क्लियर। तो जिस पार्टनर को फ़ायदा होता है उसे हम लोग बोलते हैं गेनिंग पार्टनर और जिस पार्टनर को नुकसान होता है उसे बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक मिनट थोड़ा सा, सैक्रिफाइसिंग। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था सैक्रिफाइसिंग जो है इसका निकालने का क्या है, सिंपल सा है SON। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पार्टनर का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर आप सिंपली अच्छा गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सिंपली उल्टा करना होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो आप किसी एक से भी फॉर्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हो। इससे ये पता चलेगा कौन सा बंदा कितना गेन कर रहा है और कौन सा बंदा कितना लॉस कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बंदा लॉस कर रहा है, मान लो यहाँ पर ए जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वजह से। अब ऐसे केस में ए क्या करेगा, ए चूँकि सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है तो बी जो है जितना ए के सैक्रिफाइस करने के वजह से बी को गेन हो रहा है उतना पैसा जो है बी ए को देगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या क्या फ़ायदा होता है, इसका सिर्फ यही काम होता है कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट देता है, वो अमाउंट कितना होता है वो उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग शेयर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इसके सैक्रिफाइसिंग के वजह से ही ये गेन कर रहा है, समझ रहे। मान के चलो, मान लो ये बी 3 रोटी खाता था, ए 4 रोटी खा रहा है, तो अब जो है ए को 1 रोटी का फ़ायदा हो गया, मतलब अब ए जो है 4 रोटी खा सकता है, सॉरी बी जो है 4 रोटी खा सकता है। तो अब बी 4 रोटी क्यों खा सकता है, क्यों, क्योंकि ए जो है 1 रोटी अब कम खा रहा है, मतलब ए अब 3 रोटी खा रहा है। तो अब ये जो 1 रोटी ए छोड़ा इस वजह से बी को 1 रोटी का फ़ायदा हुआ, तो अब इस रोटी का जो है बी ए को पैसा देगा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट होता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो गुडविल जब हमें ये देखा गुडविल, तो इसका फ़ायदा जो होता है जो हमने आपको रोटी का बताया यहाँ पर वो गुडविल है, गुडविल को आपको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर आपने देखा ओल्ड जो न्यू रेशियो है वो कितना, 1:1:1 यहाँ पर लिखा है इक्वली, और ओल्ड रेशियो देखिए आपको यहाँ पर दिया है 3:2:1। तो बस अब आप क्या करोगे, आप गेनिंग और सैक्रिफाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है अशोक भीम चेतन और चेतन, तो ये निकालेंगे कैसे, तो हमने आपको बताया था SON न्यू माइनस ओल्ड, सॉरी ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ये ओल्ड है ये न्यू है इनका रेशियो, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 6 और 3 माइनस 3 2 6 तो 1/6 ये आ गया, इसका तो 0 हो गया। इसका देखते हैं इसका कितना आ रहा है, इसका 6 और 1 माइनस 3 2 6 तो -1/6, तो जिसका नेगेटिव में आ रहा है वो गेन होता है और जिसका पॉजिटिव में आता है वो सैक्रिफाइस होता है, बस यही सिंपल है। अब 1/6 आया क्या आपका सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, अब क्या करोगे आप, अब चेतन और अशोक, चेतन गेन कर रहा है अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका ये भी मतलब है कि चूंकि अशोक जितना सैक्रिफाइस करे उतना ही ये गेन कर रहा है, तो ऐसे केस में चेतन अशोक को पैसे देगा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 1/6 जो है, अब आप 3 लाख का 1/6 निकालोगे तो 50,000 और इसका भी 50,000, मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि चेतन जो है वो क्या करेगा, चेतन जो है वो अशोक को पैसा देगा। अब थोड़ा सा हमें ये बता दो, थोड़ा सा हमें ये बता दो कि पार्टनर का कैपिटल, अगर पार्टनर को पैसे मिलते हैं पार्टनर को बेनिफिट होता है तो वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, अगर पार्टनर को पैसे मिलते हैं तो पार्टनर की लायबिलिटी साइड, अगर पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो पार्टनर की लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, मतलब आप लेजर अगर बनाओगे लेजर अगर बनाओगे तो उसके लायबिलिटी क्रेडिट साइड दिखाओगे, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल आपको याद पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे, क्रेडिट साइड करते थे, कहाँ करते थे क्रेडिट साइड करते थे, तो यहाँ पर क्या करोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर जो है अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। तो ये पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, पार्टनर कैपिटल घट रहा है तो डेबिट होगा। अब ये देखो इस ट्रांजेक्शन में से किसका कैपिटल बढ़ेगा और किसका कैपिटल घटेगा, तो सर बहुत सिंपल है, जो उस बंदे को पैसा मिलेगा उसका कैपिटल घटेगा और जो बंदा पैसा देगा उसका कैपिटल घटेगा,
ठीक है, जो बंदे को पैसा मिला, जिस बंदे को, किसको पैसे मिलेगा आप, अशोक को, तो अशोक के कैपिटल में क्रेडिट साइड में आप लिखोगे गुडविल और ये 50,000 जो अमाउंट है लिख दोगे। और जो बंदा गेन कर रहा है वो पैसा देगा, तो चेतन के डेबिट में 2 गुडविल लिख के आप ये लिखोगे। तो अभी इससे हम लोग पार्टनर कैपिटल जब बनाएंगे तो इसे और अच्छी तरह समझेंगे, तो अभी आप घबराइएगा मत। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला, लैंड जो था वो रिवैल्यूएट किया, लैंड को आपने फिर से रिवैल्यू किया, वो आया 1,60,000। अब आप बैलेंस शीट में अगर चेक करो कि लैंड की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है एकदम बैलेंस शीट में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लैंड, वो है 1,00,000। अब 1,00,000 की लैंड को आपने 1,60,000 कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने लैंड की वैल्यू को 60,000 से क्या कर दिया, वेरी गुड, बढ़ा दिया, आपने लैंड की वैल्यू को 60,000 से बढ़ा दिया। आगे क्या बोलते हैं, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग को आपने घटा दिया, ठीक है, तो इसको भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पे बनाएंगे। और फिर क्या बोलता है, क्रेडिटर्स 12,000 पर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैंस रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर 12,000 के लगा कि अब ये लोग पैसे लेने नहीं आएंगे। अब ऐसे केस में क्या करोगे, आप बोलोगे भैया इन्हें हटा दो, माइनस कर दो। तो ये जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा लैंड जो है 60,000 से इंक्रीज करना था, तो आपने क्रेडिट में लिख दिया बाई लैंड 60,000। फिर तीसरा पॉइंट में क्या था, 12,000 के क्रेडिटर पैसे लेने नहीं आएंगे, तो क्रेडिटर घट जाएगा, तो लाइबिलिटी अगर घटेगा तो हमने आपको बताया था कहाँ होगा, वो होगा क्रेडिट साइड। डेबिट में क्या होगा, बिल्डिंग में डेप्रिशिएशन लग रहा है, तो आप लिखोगे 2 बिल्डिंग 6,000, डेप्रिशिएशन में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या करोगे, इन दोनों को सम करोगे, तो यहाँ आएगा 72,000, और 72,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो 66,000। अब पार्टनर्स के बीच में 3:2:1 में ये बांट दोगे तो आएगा 33,000, 22,000 और 11,000। क्लियर, अब आगे बढ़े। अब देखो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते, क्या बनाते बेटा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ ध्यान दो। देखो पार्टनर का कैपिटल, यहाँ पर देखो कैपिटल लिखा है, अशोक का 2,00,000, भीम का 1,00,000 और चेतन का 50,000 ना, तो बस इसे लेके आओ, सबको उठा के लेके आओ। और यहाँ पर देखो 2,00,000 1,00,000, अच्छा पहले परफॉर्मा देख लो। देखो पार्टनर्स कैपिटल आप पहले लेसन में जो बनाया एकदम वही है, पार्टनर्स कैपिटल का पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन, पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले आप लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,01,50,000, ये तो पहला काम हो गया। फिर अब बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में देखो कि क्या चीज़ है। तो बैलेंस शीट में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जनरल रिजर्व है, दिखा ये देखो जनरल रिजर्व 60,000। अब इस 60,000 को क्या करोगे, 3:2:1 में बांट दोगे पार्टनर्स के बीच में। क्यों 3:2:1, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए एकदम रेशियो ये रहा 3:2:1 दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, क्लियर। तो आपको क्या समझ में आया, 60,000 को आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो कितना आ जाएगा, ए के हिस्से में आएगा 30,000, 20,000 और ए के में आएगा 30,000, बी के में आएगा 20,000 और सी के में आएगा 10,000, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है, बाई जनरल ले जाओ 30,000 20,000 और 10,000, ये तो पहला काम हो गया। अब अगला काम क्या है, अब अगला काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट चलते हैं। यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने लिखा ए के में 33,000, बी के में 22,000 और सी के में 11,000। अब इसे आप जो है ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर के कैपिटल में। तो यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ए बी और सी 33,000, 22,000 और 11,000, पहला काम तो ये हो गया। अब आपको देखना है गुडविल, तो यहाँ पर देखिए चेतन जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, चेतन गेन करेगा तो इसका मतलब ये इसे पैसा देगा। और अगर पार्टनर कोई पैसा देता है या उसके कैपिटल में डिक्रीमेंट होता है तो ऐसे केस में वो कहाँ होता है, उसके कैपिटल में डेबिट साइड में दिखाओगे। और ये जो गेन सैक्रिफाइस करे इसे पैसा मिलेगा, और पार्टनर का कैपिटल अगर इंक्रीज होता है या उसे कहीं से भी पैसे मिलते हैं तो उसके कैपिटल में क्रेडिट होता है, तो अशोक क्रेडिट होगा और चेतन डेबिट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अब ये अशोक था, अशोक के यहाँ पर आपने 50,000 लिख दिया क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसे पैसा मिल रहा है, और इसे पैसा कौन दे रहा है, चेतन दे रहा है। इसी तरह चेतन के में क्या लिखोगे आप, अब चेतन में क्या लिखोगे, तो चेतन में आप यहाँ लिखोगे 50,000 डेबिट साइड में, और ये पैसा जो है किसे दे रहा है, ये अशोक को दे रहा है, तो 2 अशोक। बस अब क्वेश्चन खत्म होता है आपका। अब आप जो है अशोक भीम और चेतन तीनों का जो सम करोगे, तो तीनों का सम आपका यहाँ पर आएगा 3,13,000, 1,42,000 और 71,000, इसी को आप लोग इधर भी लिख दोगे। और फिर क्या करोगे, इधर क्रेडिट साइड अगर कोई अमाउंट है तो उससे माइनस करोगे, तो अशोक का कोई अमाउंट नहीं है, इसका आ जाएगा वही, भीम का भी कोई अमाउंट नहीं, लेकिन चेतन का 50,000 है, तो 71,000 में से 50,000 गया, तो 21,000 आया। तो बस ये जो आएगा ये बैलेंस कैरी डाउन होगा, और ये पैसा जो है ये बैलेंस शीट में चले जाएगा।
तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे।